बिहार की तर्ज पर कानपुर में भी वृहद रूप से होने वाले छठ पूजा की तैयारी पूरी हो गई है और आज से नहाए खाए के साथ छठ पूजा महोत्सव शुरू हो गया है। घरों में शनिवार को खरना का पूजन लोग करेंगे, जबकि रविवार की शाम और सोमवार की सुबह लोग सूर्य को अर्घ देंगे। हमारे संवाददाता सुनील साहू ने अरमापुर बड़ी नहर से व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। देखिए उनकी ये बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार की तर्ज पर कानपुर में होने वाले छठ पूजा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अरमापुर बड़ी नहर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ जोरों पर तैयारियां चल रही हैं और कई स्तर पर चल रही हैं। विभागों की ओर से भी चल रही है, मेला कमेटी की ओर से भी चल रही है और जो लोग इस त्योहार को पूरे मनोयोग से मनाते हैं उनकी ओर से भी तैयारियां चल रही हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि सफाई व्यवस्था कानपुर नगर निगम की ओर से जारी है। यहाँ पूरी चाक चौबंद की जा रही, कहीं कोई गंदगी ना रहे इसका ख्याल रखा जाता है। नगर निगम की टीमें भी हैं और कई अधिकारी भी समय समय पर यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ की साज सज्जा की और ये जो बल्लियां लगी उनकी और ये रंग रोशन की, तो ये सब व्यवस्थाएं मेला कमेटी करती है और इस मेला कमेटी की जिम्मेदारी होती है कि कैसे इसको पूरा रात जब यहाँ शाम को इसका छठ महोत्सव का कार्यक्रम होए तो उस वक्त कैसे ये नजारा अपने आप में अलौकिक लगे, उसकी पूरी जिम्मेदारी कमेटी के लोग करते हैं। कुछ कमेटी के लोग भी हमारे साथ हैं। सर, कमेटी क्या क्या देखती है, किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं? पहले तो सभी देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत 35 वर्षों से समिति अपने कार्य को कर रही है और समिति यहाँ पे लोगों की पूरी व्यवस्था करती है। ये जो नहर में बैरिकेडिंग देख रहे हैं, समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपने ही अंदर जाके इसको पूरी बैरिकेडिंग करके लगाए हुए हैं। साफ सफाई जितनी देख रहे हैं, इन्होंने समिति के सभी पदाधिकारी एवं प्रशासन के द्वारा भी दिया गया हुआ है। किन चीजों को ध्यान रख रहे हैं कि पूरी करनी है, क्या चीज अभी ऐसी बची रह गई है? बस सर, ये है कि हमारे बीच में जो साफ सफाई जो आप देख रहे हैं, ये साफ सफाई जो पूरा हो गया है। अब यहाँ पे बस क्या है, बस जल्द से जल्द हम लोग मेले की तैयारी में है, बस जल्द से जल्द हमारा समय पास में हो और चीज को हम पूरा करें। कब से पर्व शुरू, कई दिन का ये पर्व रहेगा, कब से शुरू हो रहा है? सर, आज हमारा नहाखा है, कल खरना होगा, परसों छठ रहेगा, शाम को 4 बजे से मेला चालू हो जाता है। लोग आते हैं 2:30 बजे से, 5 बजे तक सूरज डूबते हैं तो सूरज का अर्घ शाम का रहेगा 19 तारीख को और 20 तारीख को सुबह का रहेगा। 20 तारीख सुबह का रहेगा। अगर हम बात करें औद्योगिक नगरी कानपुर की, तो यहाँ बिल्कुल मिनी बिहार जैसा आपको नजारा मिलेगा और दूर दूर तक जहाँ आप देखेंगे तो छठी मैया के पूजन करने वाले लोग, व्रत करने वाले लोग पूरे परिवार के साथ इसी नहर पर नजर आएंगे और यह बिल्कुल बिहार की छठा कानपुर में बिखरी नजर आएगी। इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, परिवारिक, जो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, इसी पे बैठ के यहीं पे बैठ के पूजन की पूरी जो क्रिया होती है पूरी की जाती है। बेटा, कैसा क्या तैयारियां हैं, जो किस तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां तो अंकल ठीक ही चल रही हैं, पेंट वेंट किया जा रहा है आज और परसों आए थे हम लोग सफाई वफाई करने के लिए और आज मम्मी लोग भेजी हैं डिजाइन वजाइन बनाने के लिए। किन चीजों का ध्यान रखते हैं, कैसे पर्व शुरू हो रहा है, किन चीजों का ध्यान रख रहे हैं आप? सर, सफाई का इस व्रत में ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, सफाई का। हाँ, तो कहने के रखे देखा जाए तो ये पर्व सफाई की ओर ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है और पूरी नहर में को भी देखा जाए तो नहर विभाग, सिंचाई विभाग की ओर से पहले ही साफ किया जा चुका है। अभी सप्ताह भरपूर राजनीतिक लोगों ने भी इसको ध्यान रखा था और कहीं ना कहीं उसका नजारा देख सकते हैं कि इस वक्त पानी भी साफ है और पूरी तरीके से उसको करने का काम किया जा रहा है और ये छठ पूरा चलने वाला महोत्सव एक तरह से शुरू होने की कगार पर है और तैयारियां भी आप देख सकते हैं, पूरे लाइन से आपको नजारा है बिल्कुल और उसका ही आपको समझ में आएगा। और वो देख सकते हैं कि कैसे शिव जी की मूर्ति को लगाया गया मंच पे, अभी इसकी भी तैयारियां चल रही हैं और ये कहीं ना कहीं धार्मिक पूरी तरीके से होने वाला ये पर्व अपने तैयारियों की ओर अग्रसर है और उसी की ओर नजर आ रहा है। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सहारा समय।